सभी सुंदर साथ को कोट अनकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 123 पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। राग श्री कालेरो। हम चढ़ी सकी संग रे रूरा, राजसु राखो रंग सखी रे हम चढ़ी। सतगुरु मारो श्री वालो जी, तेह तणे पाए लागू। मूल सगाई जानी मारा वाला, अखंड सुखड़ा मांगू। हे सखियो, प्रियतम के साथ हास विलास एवं प्रेमानंद भरा खेल खेलने की उत्कंठ अभिलाषा हो रही है। सतगुरु ही हमारे प्यारे प्रियतम हैं, ऐसे आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कर हैं वाला जी, आपसे धाम का अपना मूल संबंध जानकर अखंड सुख मांगती हूँ। सुख जीना वचन सुनावी काने, तत्क्षण की दो अजवास। आटला दिवस कोणे नव जानियू, हवे प्रगट थयो प्रकाश। हे सतगुरु धनी, सुखदेव मुनि के वचन श्रीमद् भागवत सुनाकर आपने हमारे हृदय को प्रकाशित किया। आज दिन तक परमधाम का रहस्य किसी को ज्ञात नहीं था, अब इसका प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। आकड़ियो माहे छे विषमी, झीणी गुथण जाली। जेनो कागल जे पर हुतो, तेने घूटी सर्वे टाली। श्रीमद् भागवत में अनेक गूढ़ रहस्य हैं, उनमें बारीक डोरों से गुथी हुई जाली के समान अनेक रहस्यपूर्ण बातें गुथी हुई है। जिन ब्रह्मज्ञाओं के लिए ये गूढ़ रहस्य लिखे गए हैं, उन्होंने ही इन गुत्थियों को सुलझा दिया। हवे जेने ए नींद प्रगट की धी, भली ते बुध प्रकाशी। दिसंतो आकारज दिसे, पण बेहद पूरनो वासी। ऐसे सतगुरु धन्य हैं, जिन्होंने इस अखंड ज्ञान रूपी धन को प्रकट कर उसके दिव्य आलोक से हमारी बुद्धि को आलोकित किया। भला उनका शरीर 5 तत्व का है, परंतु वे स्वयं बेहद के परे अक्षरातीत धाम के वासी हैं। तारतम लई श्री राज पधारिया, थयु ते सर्व ने जान। सखियो कहे अमे आवी ने मलसू, मलिया ते मूल एंधान। अखंड तारतम ज्ञान लेकर प्रियतम धनी श्री कृष्ण जी हमारे बीच पधारे हैं, तभी सबको परम धाम की यह जानकारी प्राप्त हो गई। अब सभी ब्रह्मज्ञाएं कहने लगी हैं कि अब हमें हमारे मूलाधार प्रियतम के संपूर्ण संकेत प्राप्त हो चुके हैं, इसीलिए अब हम सब परम धाम में पीयू जी की शरण में आकर उनके मिलन का महासुख प्राप्त करेंगी। सखियो सर्वे आवी जुजवी, एक बीजी ने खोले। आ लीला केम छानी रहसे, सखियो मली सहु टोले। संपूर्ण सखियां विभिन्न स्थानों से आकर एक दूसरे को ढूंढती है और अखंड ज्ञान का विस्तार करती है। प्रियतम धनी जी की यह लीला अब छिपी नहीं रहेगी, क्योंकि सभी ब्रह्म आत्माएं समूह में एकत्र हो रही है। रास रचियो रमसु रूढ़ी भांते, प्रगटिया परमाण।
ए सुख शोभा आणी जिभ्याए केम करी करूं वखाण। जब जागनी रास का आयोजन भली भांति हो चुका है उसमें हम भली प्रकार से खेल कर आनंद लेंगे क्योंकि यह रास पीयू जी के प्रागट्य का प्रमाण है। इस जागनी रास लीला के शोभा का वर्णन इस जिह्वा से कैसे करूं। पहली वृंदावन मा रामत वली ते आही उत्पन्न आ लीलाओ ने प्रगट कर से सुख जी तणे वचन। सर्वप्रथम हमने वृंदावन में रास की लीलाएं की, वे ही लीलाएं पुनः यहाँ पर उत्पन्न हुई है। सुखदेव मुनि के वचन इन लीलाओं का स्पष्टीकरण करेंगे। व्रज रास आही तेहज लीला ते वालो ते दीन तेह घड़ी ने तेहज पल वैराट थासे धन धन। व्रज और रास में जिस प्रकार लीलाएं हुई हैं ठीक वे ही लीलाएं इस जागनी में भी हो रही है। इन लीलाओं में भी वही बालाजी का स्वरूप वही दीन वही घड़ी और वही पल है। इन लीलाओं के कारण यह वैराट धन्य धन्य हो जाएगा। अमे मांगी रामत राज कने तेता पहली दान देखाड़ी कायक मनोरथ रहयो मन माहे ते रंग भर आही रमाड़ी। हे ब्रह्म अंगनाओ हमने परम धाम में धनी जी के समक्ष संसार के झूठे खेल देखने की मांग की थी। इसे धनी जी ने हमें सर्वप्रथम व्रज रास के रूप में दिखाया तथापि कुछ और देखने की इच्छा मन में शेष रहने के कारण धनी जी ने इस खेल को दिखाकर इस उस इच्छा को भी पूर्ण किया। श्री श्री जी ने चरण पसाए जसियो हमची गाए थोड़ा दिन मा चौदे लोके आनिध प्रगट थाए। स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरण कमलों की कृपा प्राप्त कर जसिया भाई ने यह हमची रामत कालेरा राग में गाया है। अब कुछ दिनों में अखंड ज्ञान की यह निधि 14 लोकों में प्रकट हो जाएगी। प्रकरण 124 चौपाई 1773। हे सुंदर साथ जी इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 124 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।